अर्चन के बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। सूर्य उपासना हम लोग आस्था के महापर्व छठ पूजा का आज तीसरा दिन है। नहाए खाए से शुरू होने वाले और खरना के बाद आज तीसरा दिन छठ संध्या अर्घ्य दिन। और आज देख सकते हैं घाटों पर किस तरह से लोगों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। यहाँ भारी भीड़ उमड़ रही है, धीरे जो लोग है यहाँ आने लगे हैं और घाटों पर जो बेदिया बनी है उस पर लोग बैठ गए और यहाँ जो पूजन अर्चन का दौर है वो धीरे धीरे शुरू होने लगा है। वही अगर बात यहाँ की व्यवस्थाएं की जाए तो यहाँ पे साफ सफाई और यहाँ जो आप देख पा रहे हैं लाइटिंग की व्यवस्था की गई है, घाटों के सौंदर्यीकरण की व्यवस्था की गई। वही अगर दूसरी तरफ हम देखें तो यहाँ इस तरह स्थानीय प्रशासन एवं तमाम संस्थाओं द्वारा जो है वो कैंप लगाए गए हैं। सूर्य अस्त होने के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और अगले दिन यानी कि प्रातः अर्घ के दिन जो महिलाएं वो उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगी। और जो ये छठ पूजा का जो 24 घंटे का जो निर्जला कठिन व्रत होता है जो आज से शुरू हो चुका है वो कल उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद खत्म होगा और महिलाएं अपने अर्घ व्रत का पारायण करेंगी और अपने संतान की अपने संतति की दीर्घायु और यशस्वी होने की कामना करेंगी। बलिया साहित्य कुमार, न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। तो बता दें कि संध्या अर्घ्य का दिन है और आज पूजन अर्चन चल रहा है। फिलहाल हर जगह जितने भी लोग छठ पर्व मनाते हैं और छठी मैया को पूजते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो आज तीसरा दिन है और सभी घाटों पर मौजूद है, पूजन अर्चन चल रहा है और उसके बाद डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। और यही खास बात है इस पर्व की कि जहां न सिर्फ उगते हुए सूरज को जल दिया जाता है बल्कि डूबते हुए सूर्य की भी उसी प्रकार पूजा और उपासना की जाती है। क्योंकि पूरी दुनिया में आपने देखा होगा कि हम उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं लेकिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की बात आती है तो ये इस पर्व में होता है और अपने आप में इसको खास बनाता है। चार दिन का त्योहार होता है, नहाए खाए संध्या अर्घ्य और उसके बाद उगते हुए सूरज को जल दिया जाएगा अगले दिन। यानी कि अगर मैं कल की बात करूं चौथे दिन तो सुबह भी सभी जितने भी छठी व्रती हैं वो घाटों पर पहुंचेंगे और सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगे। लेकिन फिलहाल तीसरा दिन है, शाम तमाम जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं घाटों पर और वहां जाकर पूजन अर्चन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। धीरे धीरे करके लोग घाटों पर इकट्ठा हो रहे हैं और संध्या अर्घ्य दिया जा रहा है। विनय हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। विनय, आप यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगी विनय कि क्योंकि अभी फिलहाल संध्या अर्घ्य का दिन है और ऐसे में जो तमाम छठी व्रती हैं वो घाटों पर मौजूद हैं और वहां पर पूजन अर्चन का कार्यक्रम चल रहा है, गोरखपुर में क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? जी बता दें कि सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है और हमारे साथ कुछ व्रती महिलाएं हैं जो हिंदू महापर्व में ये जो है बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और 36 घंटे का सबसे बड़ा व्रत होता है, 36 घंटे का निर्जला व्रत होता है। व्रती महिलाएं हैं, इनके पास मौजूद हैं। अभी जो है छठ माँ के लिए कोई अब गीत गुनगुना रही थी। देखिए अभी जो है इनके साथ और जो महिलाएं हैं अभी उनका इंतजार कर रही हैं, लेकिन आप देखिए अब जो है सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है। अब जो है व्रती महिलाएं अपने अपने घर को प्रस्थान हो रही हैं। हालांकि सुबह जो है यहां पहुंचेंगी, सुबह यहां पहुंचेंगे और सुबह पहुंचकर यहां जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। जो व्रती महिलाएं उनके पास चलते हैं और छठ मैया की गीत अभी गुनगुना रही थी, इनसे गीत सुनते हैं। छठ मैया की गीत आप लोग गुनगुना रहे थे, क्या गीत था? ये व्रत क्यों किया जाता है, इसका क्या विधान है और क्या प्रथा है? ये व्रत एक श्रद्धा है, छठ मैया के प्रति एक श्रद्धा हम लोगों का है। तो हम लोग इसको हर साल रहते चले आए हैं, इसे हम लोगों का हर इच्छा हर मनोकामना पूरी होती है। सालों से व्रत कर रही
अब ये तो हम तो ये 200 साल से कर रहे हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हुई हैं और मतलब पुत्र दाहिनी ये व्रत है, पुत्र भी प्राप्त होता है, इसका जो भी मनोकामना होता है हर मनोकामना पूरी होती है। देखिए छठ पूजा का जो व्रत है वो लॉजिक ही आपके पास में और दोबारा से जानेंगे बहुत कुछ इस व्रत के बारे में, लेकिन इसी बीच रुक करेंगे वाराणसी का सुशांत, क्योंकि अभी अभी हाल ही में हम यहाँ पर पहुंचे हैं गोरखपुर और हमने वहां पर देखा कि किस तरीके से पर्व को लेकर तमाम पूजा अर्चना की जा रही है। हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि लोगों ने जो सूर्य को अर्घ्य दे दिया है वो घर की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। वाराणसी में क्या नजारा देखने को मिल रहा है सुशांत बताइए। देखिए वाराणसी की बात की जाए तो सूर्य अस्त हो चुका है और ऐसे में जो पहला अर्घ है वो अब संपन्न हो चुका है। आप तस्वीरों में देखिए कि जो व्रती महिलाएं हैं और पुरुष हैं वो अपने अपने दौरा लेकर के, दौरा जिसमें वो पूरी प्रसाद को सजाते हैं, इसमें दिए सजाए जाते हैं, उसको लेकर के अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो डूबता हुआ सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है वो अब संपन्न हो चुका है। अब 3 दिनों का जो ये छठ महाव्रत था वो संपन्न हुआ है और कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये छठ का जो महाव्रत है वो संपन्न हो जाएगा। भगवान भास्कर की आराधना का ये महापर्व है, ऐसे में इस पर्व को मनाना और खास तौर पर इस पर्व में व्रत रहना और पूरे नियम कानून का पालन करना बहुत ही कठिन होता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि निर्जला रहना पड़ता है, इस व्रत को करने के लिए साफ सफाई का विशेष ध्यान देना पड़ता है और सबसे बड़ी बात यह भी होती है इस व्रत को करने के लिए कि पारंपरिक तौर पर और मन्नत के तौर पर दो तरह की इस व्रत को किया जाता है। तो आप तस्वीरों में देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो किस तरीके से अब यहाँ पर व्रत करने के बाद अब जो पहला अर्घ दिया है उन्होंने उसके बाद अपने दौरे को लेकर के अपने घर की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ये सिलसिला अभी कुछ दिनों तक जारी रहेगा, कुछ देर तक जारी रहेगा। उसके बाद कल सुबह यानी कि भगवान भास्कर के उदय से पहले ही ये महिलाएं यहाँ पर आ जाएंगी और लगभग 6 बजे के आसपास का वक्त होता है जब भगवान भास्कर उदय होते हैं और उस समय उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही यह छठ का जो महाव्रत है वो खत्म होगा। अब तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं वो छठ की जो गीत है वो गा रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए कुछ छठ की गीत सुनाते हैं इनके माध्यम से। छठी मैया चले नैयरावा डोलिया लचकती जा, डोलिया लचकती जा, भाभी का दिया ला खोई जावा, खोई जा भबकती जा, भबका भबकती जा, हसिया के सोवेला हाऊ दवा, घोड़ावा के सोहेला लगा, घोड़ावा के सोहेला लगा, घर जाए छठी मैया के पास, जाए छठी मैया के पास, कमाना जरूर सेवक भैना, आई नया धियारात, आई नया धियारात, तुहारे बरते हम आईली, आईली आधी हथिया के सोहेला हाऊ दवा, घोड़ावा के चढ़ेला लगा, घोड़ावा के चढ़ेला लगा, घोड़ावा चढ़ने आए अमन बाबू, जाए छठी मैया के पास। और नंबर बताइए। आप देखिए कि इस तरीके से जो महिलाएं हैं पारंपरिक गीत गाती हैं और छठ की ये पारंपरिक गीत छठ व्रत के दौरान जो महिलाएं व्रती महिलाएं होती हैं उनके द्वारा गाया जाता है। बिल्कुल सुशांत, और यहाँ पर एक बात और देखिए कि ये सभी सिंगर नहीं है लेकिन जो छठी मैया से जुड़े हुए भजन होते हैं, गाने होते हैं, लोकगीत होते हैं, जब ये महिलाएं इन भजनों को गाती हैं, गुनगुनाती हैं तो कितना खूबसूरत लगता है, कितना सुंदर लगता है गाते हुए, जब ये आवाज कानों में पड़ती है एक अलग ही अनुभूति होती है, एक अलग ही शांति सी होती है। Yeah.
वेदीय परंपरा का निर्वहन होता है और इस छठ की गीत से ही छठ की जो एक शुरुआत है वो दिखाई देती है। आप गीत को सुनिए, इसमें जो उत्तर भारत की लोक कला है, जो छठ की विधा है, वो सारी चीजें इसमें सम्मिलित रहती हैं। जल्दी चला मोर हर सीता बाबू भाई पटना का पाकी सड़किया ऊपर मरुतवा बिकान ऊपर फलवा दुकान घर में से निकलना ना भरत बाबू करे फलवा कमोल करे फलवा कमोल जल्दी जल्दी करा मोर भारत बाबू भाई नया रगे कबे। तो आप देखिए किस तरीके से इन महिलाओं ने बहुत देर तक छठ की जो गीत है। चलिए ठीक है सुशांत, मैं लौटूंगी आपके पास में। विनय मैं आपका रुख करूंगी, आपसे जाना चाहूंगी विनय कि किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो वो है। बता दें कि 3 दिन तक चलने वाला यह महापर्व जो है शुरुआत हो चुकी है। आज जो है दूसरा दिन था, आज डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया। कुछ महिलाएं हैं जो गाना चाहती हैं छठी मैया की गीत, क्योंकि यहाँ जो चंपा देवी पार्क है यहाँ कृत्रिम तालाब बनाया गया है, यहाँ छठ माता की मूर्ति भी स्थापना भी की गई है। तो जो महिलाएं हैं गीत गुनगुना रही है, इनके पास चलते हैं छठ मैया की गीत सुनते हैं। साचे ही बसे के बहंगिया बहंगी लचकत जाए बहंगी लचकत जाए भाई के दिए जल पनिया अनुया पुरन जल जाए पनिया छल कल जाए काचे देखिए ये जो महिलाएं हैं वो 36 घंटे का निर्जला व्रत है। इनका व्रत जो है कल सूर्य जी को अर्घ देने के बाद व्रत जो है समाप्त होगा। लगातार जो है ये महिलाएं जो है अब व्रत रखकर यहाँ अभी 2 घंटे से अधिक जो है पानी में रही और जब डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया, अब ये महिलाएं अपने घर के लिए प्रस्थान कर रही है। और सुबह 4 बजे से ही भीड़ लग जाएगी और सुबह जो है जब प्रातः होगा, जब सूर्य उदय होगा, तो उन्हें उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और जिसके बाद इस व्रत की समाप्ति की जाती है। जी बिल्कुल विनय, और ये जो छठ व्रत है अपने आप में ही एक बड़ी तपस्या है क्योंकि 4 दिन तक ये व्रत चलता है। सुशांत आपके पास आऊंगी, तैयारियों को लेकर जाना चाहूंगी कि जो इंतजाम है इस व्रत को लेकर, इस पर्व को लेकर प्रशासन की तरफ से किस तरह से किए गए हैं और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम है। सुशांत देखिए वाराणसी की बात की जाए तो वाराणसी चूंकि बिहार से भी सटा हुआ है और बिहार से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाराणसी आते हैं गंगा तट पर छठ के महाव्रत को करने के लिए, और इसके साथ ही वाराणसी के जो तालाब है, कुंड है, वहां पर भी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। हर जगह पुलिस की डिप्लॉयमेंट की जाती है, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं और खास तौर पर उन जगह पर ट्रैफिक डायवर्जन किया जाता है जहां पर की छठ व्रती महिलाएं और पुरुष अपने दौरे को लेकर के घाट पहुंचती है या फिर बरेका में जो सूर्य सरोवर है वहां पहुंचती है, संकुलधारा पोखरे पर पहुंचती है। तो ये सारी ऐसी जगह है जहां पर सबसे ज्यादा छठ व्रती महिलाएं और पुरुषों की भीड़ होती है। तो पहले से ही रूट डायवर्जन किया जाता है, पुलिस बल को वहां तैनात किया जाता है, सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए जाते हैं। इसके अलावा सादी वर्दी में भी वहां पर पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं, ताकि किसी तरीके की कोई अगर अपराध को अंजाम देना चाहे तो उसे तत्काल पकड़ा जा सके।